हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेडलाइन इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में, जो आज अपना डे 25 है, जो हमने हेडलाइन इटालियन इन 30 डेज जो कोर्स स्टार्ट किया है उसका आज 25वां दिन है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अगर किसी को बोलना है कि मैं फिसल गया ये, या मैं यहाँ अंदर हूँ, या तुम क्या ढूँढ रहे हो, तो इन सब लाइनों को कैसे इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किसी को भी बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे नॉन स्टॉप पार्लांडो कॉन ते। पार्लारे वर्ब है बोलने की, बात करने की, और जो वर्ब अभी प्रेजेंट में, इसलिए पार्लांदो, स्टो पार्लांदो, मैं बात कर रहा हूँ। और किसी को बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो नॉन स्टो पार्लांदो कौन थे, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या किसी को बोलना है कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, तो पेर के इंटेरोम्पी तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो। इंटेरोम्पेरे वर्ब है इंटरप्ट करने की, बीच में पढ़ने की। और सेकेंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, तो पेर के इंटेरोम्पी तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो। जैसे कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो पेर के इंटेरोम्पी नॉन स्टॉप पार्लांदो कौन थे, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। सेकेंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो हम बोलेंगे पेर के नॉन मी रिस्पोंडी। रिस्पोंडी वर्ब है जवाब देने की। और सेकेंड पर्सन को हम बोल रहे हैं इसलिए रिस्पोंडी, पेर के नॉन मी रिस्पोंडी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। सेकेंड पर्सन को हम बोल रहे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुम हंस क्यों रहे हो। किसी को भी बोलना है सेकेंड पर्सन को कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो पेर के रीदी। रीदेरे वर्ब है हंसने की। और सेकेंड पर्सन को हम कह रहे हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो पेर के रीदी मतलब तुम क्यों हंस रहे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में मोवेडियामो का मतलब हो गया हम देखते हैं, चलो देखते हैं। तो जो मो वर्ड है ये इस जो बोलने का लहजा होता है उसके लिए बोला जाता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि हाँ देखते हैं, तो जो लहजा होता है उसके लिए इस वर्ड का यूज़ लिया जाता है। मोवेडियामो मतलब हम देखते हैं, या मोतीदी को मैं आपको बताता हूँ, दीदी को भी बोल सकते हो आप, मतलब यही है, सेम ही है, मैं आपको बताता हूँ। और ये भी लगा सकते हो मोतीदी को, मतलब मैं आपको बताता हूँ, तो जो बोलने का एक तरीका होता है उसके लिए बोल सकते हैं मोतीदी को मैं आपको बताता हूँ। दीरे वर्ब है बताने की, टू से। और दीदी को मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, मोतीदी को या दीदी को, दोनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है जो दीरे वर्ब है, और अगर पास्ट में है तो देतो लगाएंगे हम, जैसे ओ देतो मैंने कहा था, या किसी को पूछना है कि मैंने ऐसा कहा था, ओ देतो कोजी मैंने ऐसा कहा था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में किसी को बोलना है कि एक पल वेट करे, एक पल इंतज़ार करे, तो इसको हम बोलेंगे अस्पेता उनातिमो, एक पल इंतज़ार करे। किसी को बोलना है कि थोड़ा सा रुके, एक पल इंतज़ार करे, तो अस्पेता उनातिमो पेर फावोरी, कृपया करके एक पल इंतज़ार करे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तो हम बोलेंगे अस्पेता उन पो, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उन पो हो गया थोड़ा, लिटिल बिट, अस्पेता उन पो, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, वेट करता हूँ, तो ती अस्पेतो, मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, ती अस्पेतो प्रोप्रियो क्वी, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। या दूसरा तरीका है, ये भी सीधे सिंपल तरीके से बोल सकते हो आप, ती अस्पेतो क्वी, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, ती अस्पेतो प्रोप्रियो क्वी या ती अस्पेतो क्वी, दोनों आप यूज़ ले सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसके बाद में मेरा इंतज़ार करना प्लीज़, तो इसको हम बोलेंगे अस्पेतामी, मतलब मेरा वेट करे, मेरा इंतज़ार करे, अस्पेतामी पेर फावोरे, कृपया करके मेरा वेट करे। जैसे किसी को बोलना है कि अस्पेत मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करे, तो अस्पेता में पेर फावोरे इस तो अरिवांदो, मैं आ रहा हूँ। अरिवारे वर्ब आने की, प्रेजेंट में है कि मैं आ रहा हूँ, तो अरिवांदो इस तो अरिवांदो, अस्पेता में पेर फावोरे इस तो अरिवांदो, मेरा इंतज़ार करे, मैं आ रहा हूँ। या दूसरा तरीका भी है, अस्पेता में पेर फावोरे के आरीवो, मैं पहुँच रहा हूँ,
तो दोनों तरीके हम यूज ले सकते हैं। इसके बाद में है मेरा बाहर वेट करो, मेरा बाहर वेट करो, बाहर इंतज़ार करो, तो हम बोलेंगे एस्पे तमी फोरी, फोरी हो गया बाहर, आउटसाइड। मेरा बाहर वेट करो तो एस्पे तमी फोरी, मेरा बाहर वेट करो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो स्तो एस्पे तांदो, वर्ब अभी प्रजेंट में है इसलिए एस्पे तांदो, स्तो एस्पे तांदो इल मियो अमीगो, मैं अपने मित्र का वेट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं स्तो एस्पे तांदो। इसके बाद में है एक कोलो स्तारी बांदो, वह रहा वह आ रहा है। जैसे कोई आप बोल रहे हो किसी को कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपको बोलना है कि वह रहा वो आ रहा है, तो एक को लो वह रहा वो आ रहा है, एक को लो स्तारी बांधो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। स्ता आ गया लुई ले के लिए, वह या ले फीमेल या मेल दोनों के लिए, स्ता अरिबांधो वह आ रहा है या वह आ रही है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ अंदर हूँ, तो एक को मी हो गया कि मैं यहाँ हूँ, एक को मी मतलब मैं यहाँ हूँ, जैसे मैं यहाँ अंदर हूँ, एक को मी देंत्रो, एक को मी सोप्रा, एक को मी फोरी मैं यहाँ बाहर हूँ, एक को मी सोप्रा मैं यहाँ ऊपर हूँ, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। जो आपको आगे लगाना है कि एक को मी मैं यहाँ हूँ, उसके बाद में यहाँ अंदर बाहर ऊपर नीचे जो भी लगाना लगा सकते हो, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी को बोलना है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो कोजा स्ताई त्रोवान दो, कोजा स्ताई त्रोवान दो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, जो त्रोवार वर्ब है ये ढूंढने की है, टू फाइंड, और प्रेजेंट में इसलिए स्ताई त्रोवान दो, सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं इसके लिए आया स्ताई, स्ताई त्रोवान दो, क्या ढूंढ रहे हो, कोजा स्ताई त्रोवान दो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में आपको बोलना है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तो स्तो त्रोवान दो, स्तो त्रोवान दो, मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ, तो स्तो त्रोवान दो ला मिया मल्लियता, मैं अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ, वर्ब प्रेजेंट में इसलिए त्रोवान दो आता है। और मुझे मिल गई, तो इसके लिए हम लगाएंगे ओत्रोवा तो, जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई, ओत्रोवा तो लवोरो, मुझे नौकरी मिल गई, उत्तरवा तो ला मिया मल्लियता, मुझे अपनी टी शर्ट मिल गई, ओत्रोवा तो ला मिया कामीचा, मुझे अपना शर्ट मिल गया, तो इस तरीके से आपको जो भी पीछे ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। ओत्रोवा तो आता है कि मुझे मिल गया, चरकारी वर्ब है, लेकिन वो चरका तो है मैंने ढूंढा था, तो मिलना उसके लिए त्रोवा तो ही आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वो चरका तो मानो नो त्रोवा तो, वो चरका तो मैंने ढूंढा था, चरकारी वर्ब है टू लुक, किसी चेक करना खोज करना, तो वो चिरका तो मतलब मैंने ढूंढा था लेकिन नहीं मिला, तो मिलना पाना उसके लिए त्रोवा तो लगेगा, माँ नो नो त्रोवा तो लेकिन नहीं मिला, तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस का ध्यान रखें, वो चिरका तो माँ नो नो त्रोवा तो मैंने खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी सेकेंड पर्सन को बोलना है कि क्या तुमने लिया, जैसे कि क्या तुमने कुछ लिया, तो आई प्रेज़ उक्वाल कोजा, आई प्रेजो क्वाल कोजा, प्रेंदेरे वर्ब है लेने की, और पास्ट में है इसलिए प्रेजो, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं इसलिए आई प्रेजो, क्या तुमने लिया, जैसे कि तुमने पैसे लिए, आई प्रेजो इस सोल दी, क्या तुमने पैसे लिए, आई प्रेजो क्वाल कोजा, क्या तुमने कुछ लिया, तो किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, सेकंड पर्सन को हम पूछ सकते हैं आई प्रेजो, और अगर मैंने लिया तो ओ प्रेजो, मैंने लिया, और मैंने कुछ नहीं लिया तो नो 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 प्रेजो नियंते, जैसे कि आपको कोई बोल दे कि आपने पैसे लिए, तो आई प्रेजो सोल दी, आई प्रेजो इस सोल दी, दोनों लगा सकते हो, इस सोल दी या सोल दी, तो आई प्रेजो इस सोल दी, क्या तुमने पैसे लिए, और नहीं मैंने नहीं लिए, तो नो 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 प्रेजो इस सोल दी, नहीं मैंने पैसे नहीं लिए, या नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, तो नो 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 प्रेजो नियंते, नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, तो इस तरीके से हम बोल सकते। इसके बाद में है मेरा पैर फिसल गया, तो इसको हम बोलेंगे मी ए शिवोला तोल पिए दे, मेरा पैर फिसल गया, शिवोला वर्ब है फिसलने टू स्लिप, और मैं फिसल गया तो शिवोला तो, इसलिए मी ए शिवोला तो इल पिए दे, मतलब मेरा पैर फिसल गया, ओ शिवोला तो मतलब मैं फिसल गया और मेरा पैर फिसल गया, तो हम बोलेंगे मी ए शिवोला तो अल इल पिए दे, मतलब कि मेरा पैर फिसल गया, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या
मैं फिसल कर गिर गया तो सोनो शिवोला तो ए सोनो कदू तो, सोनो शिवोला तो ए सोनो कदू तो, मैं फिसल कर गिर गया, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या मैं गिर गया और मुझे चोट, तो इसको हम बोल सकते हैं सोनो शिवोला तो ए मिफातो माले, मतलब मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, मिफातो माले, मिफातो माले, मुझे चोट लग गई, मुझे हर्ट हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। या मैं गिर गया सोनो कदू तो, कदेरे वर्ब गिरने की और पास्ट में इसलिए कदू तो, सोनो कदू तो ए मैं सोनो फातो माले, मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इस तरीके से इटालियन लैंग्वेज कैसे बोलनी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है किसी को भी बोलना है कि मुझे चोट लग गई, तो हम बोल सकते हैं मैं सोनो फातो माले। या किसी को बोलना है कि क्या तुम्हें कुछ बुरा हो गया, चोट लग गई, फातो माले। कोई भी टकरा आ जाए, कोई भी हादसा हो जाए और उसको बोलना है कि क्या कुछ गलत हो गया, क्या कुछ बुरा हो गया, फातो माले, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फातो माले, क्या कुछ बुरा हो गया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में बातचीत करनी है, प्रनाउंस करनी है, वर्ब्स को प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है। जो आज आपने वीडियो में सीखा है इसको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करके उसका अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इटालियन लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।